देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। कागज के टुकड़े देकर युवक को ठगों ने लगाया 20,000 का चूना। अलीगढ़ के पिशावा कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के शाखा में दुकान मालिक के रुपए जमा करने गए युवक को ठग 20,000 रुपए नकदी के बदले कागज की गड्डी देकर फरार हो गए। मामले के अनुसार कस्बे में मदन मोहन सिंह की दुकान पर बुलंदशहर के गांव पंचगाई निवासी गौरव काम सीखने आता है। मंगलवार को मदन मोहन ने गौरव को 20,000 रुपए जमा करने के लिए बैंक भेजा तो वहां सक्रिय दो ठगों ने उसे बातों में उलझा लिया। ठगों ने उसे अपनापन दिखाते हुए कहा कि उनके 1.5 लाख रुपए इस बैंक में जमा नहीं किए जा रहे हैं, इन रुपये को किसी अन्य बैंक में ले जाकर जमा कराने में वो उनकी मदद कर दे। ठगों ने कहा कि उसके 20,000 रुपए जमा करा देते हैं। ठगों ने रूमाल में बंधे कागज के टुकड़े युवक की जेब में रख दिए और उसके 20,000 रुपये की नकदी कब्जे में कर ली। एक ठग गौरव के साथ उन कागज के टुकड़ों को जमा कराने का बहाना कर कुछ दूर तक ले गया और कुछ भूल जाने का बहाना बनाकर उसे छोड़कर लौट आया। देर तक न लौटने पर युवक को शकुआ और जेब में रखे रुमाल को खोलकर देखा जिसमें निकले कागज के टुकड़े देखकर उसके होश उड़ गए। मामले की जानकारी दुकान स्वामी को देने के बाद पुलिस को दी गई। उपनिरीक्षक विदेश राठी ने बताया युवक से पूछताछ के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। अलीगढ़ से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।